लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड सेक्शन भाई। थर्ड सेक्शन है हमारा क्वांट। क्वांट में तुम्हारा 95 के आसपास है, ठीक है। एंड ओवरऑल यू आर एबल टू, भाई जिनको ये नहीं समझ आ रहा है ना, पहले स्कोर कार्ड देख लो एक बार, ये भी सबके लिए लर्निंग है। सो वर्बल इज 99.31, DLR इज 95.24, एंड ओवरऑल पर्सनल इज 99.20, एंड क्वांट इज समवेयर अराउंड 96.08। तो मैं हमेशा बोलता हूँ टेक वन सेक्शन टू द मून। हाँ, कोई भी एक सेक्शन, याद है मैं बोलता था एक सेक्शन दे जाओ, अगर आपका एक सेक्शन फाड़ते हो तो उससे ओवरऑल ग्रोथ तो होता ही होता है। लेट्स टॉक इन डिटेल क्वांट का, बता दे यार क्वांट में इनको अगर 95% लेके आना है, या व्हाट वेंट रॉन्ग एज वेल, बिकॉज जिस हिसाब से तुमने यस तैयारी यस, करी, मॉक्स वॉक्स दिए थे, कैटकिंग मॉक्स सारे दिए थे। सारे मतलब एक मतलब थोड़े से नहीं दिए होंगे, 3-4, बट मैक्सिमम मॉक्स दिए थे, पूरे सेक्शनल दिए थे, फिर सेक्शनल शायद से बीच में मेरे डिसाइड भी हो गए थे, सेक्शनल मैंने डबल से भी पूरे दिए थे, तो तो हाँ तेरे मतलब पास मैंने झूठ मत बोल, मेरे पास एक्सेस है तेरे डैशबोर्ड का, अभी सर खोल के बिल्कुल सर, मैं पूरा मतलब मैंने सर मेरी तो पहले मैं क्वांट डिस्कस कर लेता हूँ, फिर उसके हाँ बाद ये पहले बात बताता हूँ कि लेटर पॉइंट पे मैंने कैसे प्रिपेयर किया था। गुड गुड लेट्स गो। तो हाँ, सो सर क्वांट में मेरा मतलब क्वांट में भी मैंने थोड़ा कम ही स्कोर किया, क्योंकि फुल अग्रेसिव गया, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश की, ये नहीं सोचा कि मैक्सिमाइज करना है मार्क्स, मतलब मैक्सिमाइज करना है वो तो थॉट था, बट स्ट्रेटेजिकली नहीं किया उतना, क्योंकि ये थॉट था कि ज्यादा ज्यादा सॉल्व करना है करके। तो क्वांट के लिए मैं ये बोलूंगा कि स्टार्टिंग में गो विथ ईच एंड एवरी टॉपिक, यस सर, ग्रेट। और सो उसके बाद बोल उसके बोल बाद एक बार अगर आपका ये हो जाए तो उसके बाद आई वुड सजेस्ट, स्ट्रॉन्गली सजेस्ट, मतलब एक बार तुम टॉपिक करते हो फिर टॉपिक टेस्ट दे लो, और उसके बाद अगर एक बार तुम्हारे सारे टॉपिक्स तुमको लगता है बेसिक लेवल का कम मतलब हो गए, तो उसके बाद सेक्शनल एंड मॉक्स आपने स्टार्ट करनी चाहिए। बिकॉज अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको 10 प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन दूंगा तो आप 7 सॉल्व कर पाओगे, बट मैं आपको एक अरिथमेटिक, एक एलजेब्रा और एक प्रोबेबिलिटी के, तो आपका माइंड उस हिसाब से वर्क करना चाहिए कि आप क्वेश्चन समझ पा रहे हो कि किस चीज का है। गॉट इट। तो ये क्वांट के लिए रहेगा मेरा। डिड यू गेट टाइम स्पेंड ऑन क्या बोलते, बुक वुक बनाया था अपना, नोटबुक बना लिए? हाँ हाँ सर वो तो, अच्छा सर ये अच्छा याद दिला दिया आपने, मेरे पास 2 नोटबुक्स थे, वन वाज प्योरली फॉर फॉर्मूला, मतलब उसमें से मैं फॉर्मूला लिखता था, ट्रिक्स लिखता था, एंड वन वाज जब भी मैं कोई मॉक देता हूँ या जब भी मैं कुछ करता था तो उसमें 2 चीजें रहती थी, मतलब एक रहता था क्वांट का सेक्शन, एक रहता था DILR का सेक्शन। क्वांट के सेक्शन में तो मैं पूरा क्वेश्चन लिखता था और पूरा सोल्यूशन भी लिखता था, तो क्वांट में मतलब जितने भी क्वेश्चंस ऐसे हैं कि मैंने गलत किए और मेरे को पता है कि ये चीज़ मैं वापस से गलत करूँगा, और मेरे को लगता है ये अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को भी आ जाएगी कि हाँ ये मैं वापस से गलत कर दूंगा अगर मैं लिख के रखूंगा नहीं और रिवाइज करूंगा नहीं, बिल्कुल तो वो बिल्कुल क्वेश्चंस में लिखता था। और DILR में एज क्वेश्चंस लिखना इज वेरी टीडियस, तो मैं उसमें लिख देता था कि वो क्वेश्चन कहाँ का था, कि वो इसका था मतलब फर्स्ट मॉक का है, और वो फर्स्ट मॉक का सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट मॉक का थर्ड क्वेश्चन है, और वो भी मैं रिवाइज करता था। सो ये ब्रिलियंट चीज बहुत हेल्प करती है, मतलब मैं रिवाइज करके ही जाता था हमेशा। सुपर। एंड अबाउट प्रिपरेशन, कमिंग बैक टू प्रिपरेशन के बारे में बताने वाला है, डिड यू स्पेंड टाइम ऑन द अटेंडिंग दोस बूट कैंप्स होते थे एंड में, सुबह 9 बजे हाँ से सर, 12 बजे, यस सर, 12 बजे सॉल्व करने बैठ के, वो यू रेगुलर इन दोस? यस सर, एकदम रेगुलर नहीं था बट मैं अटेंड करता था बूट कैंप, मतलब सबसे ज्यादा रेगुलर तो मैं था वही मंडे एंड वेंसडे, सबसे ज्यादा वर्बल मंडे, वर्बल वेंसडे, क्योंकि एक बार वैसे भी हो चुका था, और बाकी के क्लासेस भी मैं पूरा करता था, प्रांतिक सर, कृष्णा सर, सुधांशु सर, So सारे। they can believe in whatever shit I'm saying to them. Will they be like हाँ you to get 99.29? सर बहुत इजीली मैं ये बोलूंगा, मतलब उतना डिफिकल्ट नहीं रहता है, बस एक्सटर्नल फैक्टर्स को खुद को अफेक्ट मत होने दो और अपनी मेहनत जारी रखो, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज की, कोई उतना दिन मतलब उतने दिन तक आप कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करोगे, अभी आपके साथ हो सकते हैं इस बैच में 500 लोग हो गए या 1000 लोग हो गए, जितने भी लोग हो गए, वो आखिरी तक जाते जाते तक उतने लोग कंसिस्टेंट रह ही नहीं पाएंगे, मतलब ये तो फैक्ट है, जैसे आज सब लोग सुन रहे हैं बट मैं सबको बोलूंगा कि बिलीव करो, और पूरे 500 रहे ना तो पूरे 500 के 599 प्लस लेकर आएंगे, ये भी मेरे को पता है। या तो कुछ प्रिपरेशन प्लान के बारे में बताने वाला था, उसके बारे में हाँ बताओ फटाफट। यस, तो प्रिपरेशन प्लान फॉर एग्जांपल, एक बार तुम्हारा टॉपिक ऐसा लगता है तुमको बेसिक लेवल तक हो गया है, देन स्टार्ट गिविंग मॉक्स, बिकॉज तुमको कभी नहीं लगेगा कि तुम्हारा प्रिपरेशन हो गया है। सो मैं इनिशियली ऐसा करता था, फिर लेटर ऑन फिर मैंने ऐसा करने लगा कि मैं हफ्ते में 3 टॉपिक टेस्ट सेक्शनल्स देता था, मैं एक दिन दूंगा वर्बल का, समझिए, तो मैंने वर्बल का दिया तो मैं उस दिन उसका एनालाइज करूंगा और अगले दिन एनालाइज करूंगा, फिर मैं दूंगा क्वांट का, फिर मैं क्वांट का एनालाइज करूंगा, उस दिन भी करूंगा, अगले दिन भी करूंगा, फिर उसके बाद मैं दूंगा DILR का, सेम वैसा, और फिर संडे को मॉक्स देता था, और फिर मॉक्स भी बैठ के
मतलब 1-2 घंटे का ब्रेक लेके एनालाइज करता था मैं, क्योंकि सेक्शनल फॉर वर्किंग प्रोफेशनल इज मच इजियर देन गिविंग अ मॉक. मे बी 3 मॉक देना 1 वीक में उनके लिए पॉसिबल नहीं रहता है बहुत बार. और आप मॉक्स कितने नंबर ऑफ मॉक्स से फर्क नहीं पड़ता, मेक श्योर कि एनालाइज करिए उसको एज वेल एज पॉसिबल.